लेकिन जो 46 का मैजिकल आंकड़ा है वो कैसे पहुंचा जाएगा? क्या कई निर्दलियों को साथ जोड़ा जाएगा? इंजीनियर राशिद की पार्टी का समर्थन लिया जाएगा? क्या है फॉर्मूला? क्या अपने दम पर 46 सीट आप लोग प्राप्त कर लेंगे? कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर? रत्नाकर जी, चंदन जी, देखिए मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बहुत अच्छे से आ रही है, स्वागत है आपका। देखिए जी चंदन जी, देखिए जिस तरह से आपने अभी एक आम नागरिक की बात सुनी और आम नागरिक ने बताया कि किस तरह से विकास की गाथा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में लिखी गई है वो अपने आप में बयां करती है कि लोग आज विकास से खुश है वहां पे, और जमहूरियत में उन्होंने अपना विश्वास दिखाया है। और किस तरह से जहाँ पे अभी आपने मेहता जी की भी बात सुनी, 100-200 वोट कभी पड़ा करते थे और आज जो है 61% अपने आप में यह रिकॉर्ड है कि इतनी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर और लोकतंत्र में विश्वास जता रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बाद जो काम किया है जम्मू कश्मीर के लिए उसका सिला जो है जरूर जनता आशीर्वाद के रूप में हमको देने जा रही है, और हम पूरी तरह से आश्वस्त है और कॉन्फिडेंट भी है कि हम जम्मू कश्मीर में उसी विकास की गाथा को आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा चंदन जी कि देखिए जिस तरह से जब 2019 में माननीय गृह मंत्री ने 370 जब वहां से हटाया गया था जम्मू कश्मीर में, तो कहा था सदन में, कहा था कि सही वक्त आने पर जो है हम वहां पे चुनाव कराएंगे और लोकतंत्र की बहाली पूरी तरह से करेंगे। आज देखिए वो सही समय चल रहा है, आज की घड़ी अपने आप में यह बता रही है कि हमने जो भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक सही समय वो होगा जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा जम्मू कश्मीर को। उमर अब्दुल्ला कई चुनावी सभाओं में कह चुके हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं बनती, किसी और पार्टी की बनती है, तो संभवतः पूर्ण राज्य का दर्जा भी वापस ना किया जाए। कितनी सच्चाई है इसमें रत्नाकर जी? देखिए लोगों को गुमराह करने का काम, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम ये पार्टियां करती हैं जो सालों से वहां पे सत्ता जिनकी रहती थी और जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझा करते थे और युवाओं को रोजगार से रोजगार नहीं देने का काम करते थे और उनको आतंक की तरफ धकेलने का काम करते, ये वो पार्टियां। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम वहां पे राज्य का दर्जा बहाली करेंगे, पूर्ण राज्य का भी दर्जा बहाली करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए, धैर्य रखिए, इंतजार करिए, धैर्य रखिए। ठीक है, मेरे साथ आपको बताऊं अब्बास हफीज जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अब्बास जी, गुलाम नबी आजाद की कमी खल रही है क्या कांग्रेस को घाटी में इस चुनाव में? यार सबसे बड़ा विषय है आवाम जो है, घाटी की जनता जो है, जम्मू कश्मीर की जनता जो है, किस पर भरोसा कर रही है? वो एकमात्र गठबंधन पर भरोसा कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। आजाद साहब हो, कई सारे नेता हो, जाना आना सबका लगा रहता है, लेकिन सबसे बड़ा विषय होता है पार्टी, पार्टी की विचारधारा और पार्टी में लोगों का विश्वास। ठीक, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक झूठ फैला के राजनीति करने में व्यस्त हैं, घाटी की जनता अच्छे से जानती है। मैं आपके चैनल के ऊपर जो एक नेशनल चैनल है उस पर इस झूठ को साफ तौर पर उसका खंडन करता हूँ। ये पहली बार नहीं है कि घाटी में 60% मतदान हो गया। 2014 के चुनाव में भी 58% से आगे हम गए थे, उससे पहले भी गए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों की वजह से लोगों ने वहां बहिष्कार किया था मतदान का, और सबसे गिरा हुआ मतदान प्रतिशत जो था वो तभी था 9% के आसपास का। तो इससे पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, बीजेपी ने कोई तीर नहीं मार दिया। नहीं नहीं, एक मिनट अब्बास जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। क्या ये सच नहीं है बदले हुए जम्मू कश्मीर की, कि जिन तमाम जगहों पर इस चरण में वोटिंग हो रहे हैं या पहले चरण में हुए, उन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज महज 20% के आंकड़े को भी पार करने के लिए कशमकश करती हुई नजर आती थी? मुझे आप 2014 का मत प्रतिशत बताइए जी। आपको अगर मालूम हो, मुझे तो मालूम है 58% था। ऐसी कई सीट थी बॉर्डरिंग जहां पर हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है मतदान। ठीक है, इससे पहले भी हुआ है। 2014 के बाद ही भारत नहीं है, 2014 से पहले भी भारत, 2014 से पहले की भी पॉलिसी। तो आप कह रहे हैं कि कोई तस्वीर नहीं बदली है जम्मू कश्मीर की? अटल जी, देखिए मैं तो एक महीने से श्रीनगर में हूँ। अच्छा। और एक महीने में मैंने जो हालात देखे वो तस्वीर बदलते हुए ये देखे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। 4400 स्कूल बीजेपी के पिछले 10 साल के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राज में बंद हो गए। 1,00,000 रिक्त पद जिनको हम वेकेंट पोस्ट कहते हैं सरकारी, वो अभी तक भरे नहीं गए। स्टेटहुड की बात कही थी देंगे पहले, अभी तक आपने 2019 से अब तक 5 सालों में स्टेटहुड क्यों यहाँ पर रिस्टोर नहीं किया, जब वादा जम्मू कश्मीर की जनता से किया था। जम्मू भी पीड़ित है, कश्मीर भी पीड़ित है,
ऐसी पार्टी को वो क्यों चुनेंगे जिन्होंने उनके स्टेटहुड को छीना और स्टेटहुड छीन कर उसको दोबारा रेस्टोर करने की बात ही नहीं करी 5 साल में। आप कह रहे हैं सरकार आ जाएगी तो रेस्टोर कर देंगे, तो अब तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आपको पता है नशे का क्या हाल है जम्मू कश्मीर में? 12.5 लाख लोग, पार्लियामेंट्री कमेटी के आंकड़े हैं, 12.5 लाख लोग पिछले 6 साल में जम्मू कश्मीर में ड्रग एडिक्ट हुए हैं, 2.25 लाख इसमें माइनर्स हैं। ये नशे का जाल बिछा दिया जम्मू कश्मीर में बीजेपी की। अब्बास जी, बीजेपी की जिन तमाम मुद्दों को आप अभी यहाँ उठा रहे हैं, इन मुद्दों को कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार में क्यों नहीं उठा रहे? वो 370 वापसी, इन सब में क्यों फंसते हुए नजर आ रहे हैं? 370 की वापसी और ये सारी चीजें तो आप यहाँ उठा रहे हैं। आपने वहाँ प्रचार प्रसार देखा है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नहीं, क्या क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपका जो गठबंधन है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये वादा नहीं किया है कि धारा 370 की वापसी होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता मैं नहीं हूँ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बात होती है, रेस्टोरेशन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है स्टेटहुड का। दूसरी बात, अगर आप बीजेपी से पूछे, श्रीमोनी अकाली दल के साथ सरकार चलाई उन्होंने, क्या आप बीजेपी से खालिस्तान को लेकर सवाल पूछेंगे जो बीजेपी की सरकार के अंदर पार्टनर्स हैं? देखिए अलग अलग पार्टीज होती हैं, उनके अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चला जाता है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा हमारी चुनावी रैलीज हो, हमारे आला कमान के नेताओं की जनसभाएं हो, उसमें स्टेटहुड का रेस्टोरेशन है, महिलाओं के सम्मान में 2000 रुपये महीने का अलाउंस, 5 लाख रुपये के माध्यम से देने की बात है, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है इसका वादा है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना किसी भी कीमत पे ये हमारी बात है, 1 लाख नौकरियां देना ये हमारा वादा है, 4400 स्कूल जो बीजेपी ने बंद कर दिए हैं उसको वापस खोलना ये हमारा वादा है, ठीक है। इस तरह की चीजें, चाहे वो हेल्थ एम्बुलेंस हो, ये तमाम चीजों हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनीता वकील भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये चुनाव कश्मीर के, जम्मू के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है, एक स्वर्ण भविष्य के लिए अलायंस को वोट देने के लिए आज जो भीड़ उमड़ी है हम देख, ठीक है। सुनीता जी, स्वागत है आपका। आपने अब्बास हफीज को भी सुना, रत्नाकर जी को भी सुना। अब्बास हफीज कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की किस्मत को बदलने वाला चुनाव है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि बीते 5 सालों में कुछ ज्यादा तब्दीलियां नहीं आई हैं जम्मू कश्मीर में। आप कैसे देख रही हैं इस दूसरे चरण के चुनाव में जिन तमाम सीटों पर मतदान है और जो पिछला वोटिंग परसेंटेज रहा पहले चरण में 61% के आसपास का? जी ये देखिए, जो जो हमारे फर्स्ट फेज के इलेक्शन हुए वो काफी फ्री एंड फेयर थे, सक्सेसफुल थे, और उसमें अराउंड 62% वोटिंग हुई। तो ये अब के जो चुनाव है ये काफी क्रूशियल है, क्योंकि इसमें लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे हैवी वेट्स हैं मैदान में। हमारे पास 239 है कैंडिडेट्स, और जो असेंबली सेगमेंट्स है वो उसमें कुछ खास खास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे गांदरबल, हरगाम, श्रीनगर, और जम्मू में पुंछ और राजौरी है। ये चुनाव अपने आप में ये खास है क्योंकि लोगों में मतलब वैली में, जेएनके में लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। लोग ये समझने लगे हैं कि गोली और पत्थर से कुछ नहीं होने वाला। तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मतलब शांति बहाल हो, प्रोग्रेस हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ये सब हुआ है विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। वही एक रीजन है कि घाटी में इतना सारा बदलाव आया है। अब लोग ये चाहते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इतना सारा बदलाव आया है, जो लोग ये कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं आया, ये इस बात का सबूत है कि अब मतलब जो लोग सेपरेट थे, जो खाली गन उठाते थे, पत्थर मारते थे, वो लोग भी अब वो इलेक्शंस में कंटेस्ट करने लगे हैं। बिल्कुल। और यहाँ तक कहने लगे हैं हम कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही काम करेंगे। ये इतना है कि लोगों के जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उन पे काम करेंगे, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही हम काम करेंगे। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है जी। पहले तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं थे, जैसे सेपरेटिस्ट था वहाँ का मेन स्ट्रीम था,
मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी थी। तो अब जैसे उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम लोग जमहूरियत के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, ये तो काफी सारा, इतना सारा चेंजेस आया है, मतलब ये काफी ज्यादा चेंजेस आई है ठीक है पहले से। बिल्कुल बिल्कुल।